बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान कैसे होगा कि जब पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात ये कहे कि हम पूरे ही मुल्क से असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। 15 दिसंबर भी आ जाएगी, अगर लेट्स सपोज असेंबलियाँ तहलील होती हैं तो हुकूमत भी कह रही है कि हम इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हम 2 माह में इलेक्शन करवाएंगे। आज वफाकी वज़ीर राना सनाला ने कहा है कि आप इधर उधर की बातें ना करें, आप असेंबलियाँ तोड़ दें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम इस हक में नहीं हैं कि मुल्क में अनारकी हो, लेकिन और कोई हल नहीं है, तो अगर आप ये कर दें, हमें गीदड़ भपकियाँ ना दें, आपने असेंबलियाँ तहलील करनी है, आप कर देगा। खान साहब, ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे, या कि जिस तरह पहले खान साहब ने कहा था कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। दूसरी जगह मुबैना ऑडियो के चर्चे भी हैं जिसमें साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी को सुनते हुए सुना जा सकता है, जिसमें बुशरा बीबी कह रही है कि खान साहब की कुछ घड़ियाँ हैं जो कि आपके आपको देनी है, जिसमें जुल्फी बुखारी कहते हैं कि जी मुर्शिद। तो इस तरह की ऑडियोज़ आना और अवामुन्नास तक पहुंचाना, इससे पहले हम पीटीआई की हुकूमत पर बड़ी तनकीद करते थे कि सियासत को इख्तलाफात की हद तक रखा जाए, अलबत्त जो घर की खवातीन हैं उनको ना लाया जाए, लेकिन क्या करें कि इक्तदार के लिए हमारे पॉलिटिशियन तमाम ही जो हदें हैं वो अबूर करते जा रहे हैं। दूसरी जानब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कमेटी कायम की है कि जो कि मुल्क में सूबों के लिए चाराजोई की जाएगी, जिसके सरबरा सैयद खुर्शीद शाह को बनाया गया है। क्या वाकई नए सूबों की मुहिम का टाइम आ गया है, क्योंकि जिस तरह कहा जा रहा है कि इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो ये भी चेवा को यहाँ अभी तक हुकूमती जो लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि हम मुल्की मईशत कंट्रोल में नहीं है, तो हम मुमकिन है कि ये इलेक्शन मज़ीद डिले की तरफ जाएँ, मज़ीद लेट जाएँ। तो क्या आईन पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है, कोई गुंजाइश है कि आप आइनी मुद्दे से आप एक्सट्रीट कर जाएँ, आप वक्त को आगे ले जाएँ और 5 साल गुजरने के बावजूद आप 6ठे साल भी बैठे रहें, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी है? 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी या कि आप पहले ही विड्रॉ कर देंगे? इससे भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पर। पाकिस्तान के रिज़र्व 7 अरब से भी कम होकर 6 अरब डॉलर 71 करोड़ तक आके पहुँचे हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है, लेकिन हुकूमत अभी भी कह रही है कि हम दिवालिया नहीं होंगे, खतरा पाकिस्तान से टल गया है। तमाम पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा मीर समद साहब। बहुत शुक्रिया समद, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मशहूर मारूफ रहनुमा सलीम सचवानी साहब मौजूद हैं। सलीम साहब, आपका शुक्रिया। और आज आप मुझे देख रहे होंगे कि मैंने अजरक पहनी है, सिंध की सकाफत है, जो कि कल्चरल डे की जो तकरीबात हैं मुल्क भर में जारी हैं और तमाम ही रंग, तमाम ही जो सकाफतें हैं वो सब हमारी हैं। समद, आपका शुक्रिया, आपने हमें कल्चर के रंगों में रंग दिया, आपने ये हमारे लिए तोहफा लाया और आपकी ख्वाहिश थी कि मैं इसको पहन के बैठूं, हम पहन के बैठ गए। सलीम साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। ऑडियो सुनी होगी आपने गालबन, तो इसको तो नहीं कहेंगे ना कि ये फेक है? सर, आपने कहा, पहले तो आपने कहा कि दूसरी बड़ी जमात, दूसरी नहीं सबसे बड़ी जमात है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, ये जो ऑडियोज आ रही हैं, फेक ऑडियोज आ रही हैं या दूसरी ऑडियोज जितनी भी आ रही हैं, ये सब आवाम की तवज्जो इस बुनियादी मसाइल से ऊपर से हटाने के लिए आ रही हैं। तोशा खाना सुन सुन के लोगों के कान पक गए, मगर आवाम की तवज्जो जो है ना इन तोशा खाने की तरफ नहीं है, आवाम की तवज्जो बढ़ती हुई महंगाई की तरफ है, आवाम की तवज्जो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत की तरफ है। आवाम जानना चाहते हैं कि ये जो एलसीज वगैरह इन्होंने रोकी हुई हैं, जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स दोनों परेशान हैं और प्रोत्साहन हाल इनका कोई नहीं है, किस्तें देने के लिए पैसे नहीं, 22 अरब डॉलर का फंड जो है वो 6 अरब डॉलर पे आ गया है, ये पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं, उस पर से तवज्जो हटाने के लिए जो है ना ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि कभी क्या बात ले आते हैं, कभी सूबों की बात कर रहे हैं। अब सूबों तो आप लोग भी एक बार की बात कर लेना कि भाई खान साहब ने ठीक है बेच दिया घड़ियां, हम आपके सामने बोल चुके हैं, इतनी कई दफा बोल चुके हैं कि गाड़ी बेची गई है, कोई छुपाई नहीं गई है, रसीद मालखाने में मौजूद है। वो दुकानदार भी आ गया कि ये रसीद भाई मेरी नहीं है। मैं भाई अभी आपके साफी मुल्क छोड़ के चले गए, आपके साफी पूरे पाकिस्तान से मफरू हो रहे हैं, आपका साफी शहीद कर दिया गया, तो वो बेचारा दुकानदार किस खेत की मूली है? अच्छा, उमर जहूर भी झूठा, इस्लामाबाद का दुकानदार भी झूठा, हुकूमत भी सारी झूठी। मैंने ये नहीं कहा कि दुकानदार झूठा है, इमरान खान साहब, मैंने ये नहीं कहा दुकानदार झूठा है, मगर इस वक्त दुकानदार दबाव में।
अच्छा, जिसकी वजह से उसको मजबूरन झूठ बोलना पड़ रहा है। वो तो कह रहा है कि आप लोगों मुझ पे मुझे घसीट रहे हैं इसमें, मजबूरन झूठ बोलना पड़ रहा है। अच्छा, वरना दुकान फ्रांसिक रिपोर्ट आप इंटरनेशनल बॉडी में भेज दें, रसीद बनाने वाले की सिग्नेचर साइन और सब वेरीफाई हो जाएगा, आप भिजवा दें इसको इंटरनेशनल लेबोरेटरी में। सारी जितनी भी ये तमाम ये सारी बेकार बातें हैं, आप इंटरनेशनल लेबोरेटरी में भिजवा दें, तस्दीक हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आवाम की तवज्जो मसाइल से हटाने के लिए है। मुल्क का खाना खराब हो रहा है, 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की बातें हो रही है, 800 अरब रुपए के अखराजात कम करने की बातें नहीं हो रही है, मजीद टैक्सेस लगाने की बातें हो रही है। तमाम तवज्जो जो है ना आवाम की सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, और कुछ भी नहीं। 8 से 10 करोड़ की चीज खान साहब ने 2 करोड़ में खरीदी और फिर कहा कि मैंने बनीगाला की सड़क बनवा ली, ये सही किया उन्होंने? सर अगर सड़क बनवाई तो बड़ा अच्छा किया, सही किया, सही मतलब बहुत अच्छा किया, नेक काम किया। आप कहते हैं कि खान साहब, एक आप बात कहें, देखें ये सारी बातें एक नहीं कई दफा ये प्रोग्राम में रिपीट हो चुकी है, तोशा खाने की गरीब वाली बात एक नहीं कई दफा और एक प्रोग्राम में मैंने आपको उसका खत्म भी कर दी थी कि भाई इनको आप सबको बिठाएं, इनको कहें अपने अपने तवायफ जमा कराएं, पीटीआई भी अपने तवायफ जमा करवा देगी, जो भी खान साहब को मिले हम सब कारकुन मिलके चंदा करके जमा करवा देंगे। आप क्यों पब्लिक का टाइम एक ही टॉपिक के ऊपर खराब कर रहे हो? आप पब्लिक की तवज्जो आप भी हटाने में किरदार अदा कर रहे हो, आवाम के मसाइल के ऊपर आप भी उन लोगों इनके हमनवा बन रहे हो, हम प्याला बन रहे हो, आप भी आवाम के ऊपर से तवज्जो हटा रहे हो, आवाम की तवज्जो हटा रहे हो मसाइल के ऊपर से। इस तरह ना करें सर, आवाम के मसाइल को निकालें, आवाम किस तरीके से पिस रही है, क्या क्या फेंक रही है। सलीम साहब कह रहे हैं कि साजिद इस पे बहस ना करें, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं साजिद इस पे बहस ना करें, मैं कह रहा हूं आवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो हटाने के लिए कि जो बातें हो रही है उस पर ना आए। तो कई दफा बहस हो चुकी है आपके प्रोग्राम में तोशा खाने पर, मैं खुद कई दफा मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, कब कितनी दफा इसको मैं वादे कर चुका हूँ, हर थोड़े दिनों के बाद फेक वीडियो लाके आवाम का बहुत बर्बाद कर रहे। आपने कहा कि हम पीटीआई के लोग पैसे जमा करके कौमी खजाने में जमा करवा दे, जमा करवा देंगे, तमाम को ले इनको इनको बिठा एक टेबल पे आ जाए, एग्रीमेंट करे, असेंबली में कानून पास कर दे कि भाई तमाम जितने भी सरबान मुमलिकत है, जितने भी आर्मी चीफ है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, जितने भी जजेस है, सब अपने तवायफ जमा करवाएं तोशा खाने में दोबारा, जिन जिन ने जो जो लिए 10 सालों में या 30 सालों में जितने भी बेहतर है, इस टॉपिक को खत्म करें, काम को आगे बढ़ाएं और आवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो दें। मुल्क डूबता जा रहा है, बैंक करप्शन के दहाने पे बैंक मुल्क खड़ा हुआ और आप लोग तोशा खाना नहीं करते सर। हर प्रोग्राम के अंदर आपको तोशा खाना याद आ जाता है। चले चले जी आगे बढ़ते सर, तोशा खाना पे सलीम साहब कह रहे हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं बात ना करें, और बजा कह रहे हैं कि चले जी मईशत कैसे बुरा हाल है, लेकिन आप लोग भी क्या कहें कि एहतसाब तो आप लोग भी लेंगे। आपने कहा था जी हमारे साथ एहतसाब हुआ है तो हम भी एहतसाब लेंगे, खान साहब को भी सादिक और अमीन साबित होना होगा। अच्छा मुझे बताएं, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जिसको आप कहते थे गद्दार है मोहसिन दावड़, अफवाज पाकिस्तान के लिए भराबुला कहता है, उसमें असेंबली में आके आपकी एक करारदार फाड़ के वो फेंक गए। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था ताजिकिस्तान, मैं वहाँ पे इनवाइटेड था लेकिन मुझे एयरपोर्ट से वापस कर दिया, तो फिर एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से मेरा नाम किसने निकाला था? जब आपने मेरा नाम निकाला, इसी असेंबली ने नाम निकाला, तो फिर मुझे इदारों ने क्यों कहा कि आप नहीं जा सकते? अगर आपके इस करारदाद की वैल्यू ये है, ये मैं फाड़ के जा रहा हूँ कि जब आपकी नहीं चलती तो ये असेंबली आप असेंबली में बंद करें चलें, तो कौन चला रहा है आपकी हुकूमत? खान साहब के लिए आप लोग कहते थे कि खान साहब आप नहीं चला रहे, सिलेक्टेड हैं आप, तो आप भी सिलेक्टेड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से तमाम देखने वाले पूरे दुनिया में बसने वाले सिंधी भाइयों को इनकी इस खूबसूरत हज़ारों सालों की तहजीब और कल्चर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुश नसीब तसव्वुर करता हूँ ख़ुद को, मैं इस धरती पर पला बड़ा हूँ और इस धरती से और उसकी कल्चर से मोहब्बत रखता हूँ, और इंशाल्लाह जब तक जान में जान है इंशाल्लाह सिंध की सकाफत बल्कि पाकिस्तान के सारे रंगों की सकाफत हम सब की पहचान है, उसको हम मनाते रहेंगे। साजिद भाई, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है मोहसिन दावड़ के हवाले से, मोहसिन दावड़ हमारे गवर्नमेंट का कोलिशन पार्टनर है और उसने, मैं समझता हूँ, इस हुकूमत को लाने में हमारे साथ एक अहम रोल प्ले किया है। मैं भी एक सियासी कारकुन के तौर पर ये समझता हूँ कि जितने भी सियासत करने वाले लोग हैं इस मुल्क के अंदर सियासत करते हैं और इस मुल्क के फ्लोर ऑफ द हाउस आकर मुल्क के मसाइल को डिस्कस करते हैं या उसको रेक्टिफाई करते हैं या उनको दुनिया के सामने लाते हैं, तो उनके ऊपर ये पाबंदियां ये सख्तियां नहीं होनी चाहिए, चाहे वो साफ है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन है। कहा था कि आप ट्रेवल कर सकते हैं, आप ये बिल पास हो गया, अब आप हर जगह जाएं, उनको वापस कर दिया गया, वो मैं कोई उनकी वो यहाँ पे ना उनको खिराज तहसीन पेश करने नहीं बैठा। मेरा पॉइंट ये है कि आपकी हुकूमत में भी आपकी नहीं चल रही,
तो कौन देखिए चला रहा है आपकी हुकूमत? इस बात से तो आपके बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि हमारी हुकूमत ने हमारी नहीं चल रही है, हमारी हुकूमत ने हमारी ही चल रही है और हम अपने बिल्कुल उस आईनी रोल के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं। कल जब यही पीटीएम के लोग गिरफ्तार हुए थे तो बिलावल साहब चीख चीख के कह रहे थे कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए। आपके तो ये यार है ना, आप लोग तो हमारे इत्तेहादी हैं, पार्लियामेंट ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया हमारे लिए, तो फिर अपने असेंबली का मेंबर, जब असेंबली का मेंबर बनकर आता है वो किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता, वो इस कौम का नुमाइंदा होता है। ये मैं एक सियासी कारकों के हिस्से में कहता हूँ। मेरे लिए पार्लियामेंट में खड़े होने वाला पीटीआई का शख्स उतना ही काबिल इज्जत है जितना पीपल्स पार्टी का, क्योंकि सब पार्लियामेंटेरियन है, सब इस मुल्क के नुमाइंदे हैं। मेरे लिए मोहसिन दावर का नजरिया, उसका नैरेटिव क्या है, वो अहमियत नहीं है। वो एक पार्लियामेंट का मेंबर है, मेरे लिए वो अहमियत है। मैं उस हैसियत में कह रहा हूँ, जहर उगलता है तो फिर क्यों उगलने दिया जाता है? देखें, आपने पार्लियामेंट बनाया किस लिए? जहर उगलने के लिए? जी नहीं, जब कोई शख्स अपने हल्के से जीत कर आता है, वो पार्लियामेंट का फोरम उसको इजाजत देती है कि वो अपनी बात को, अपने मसाइल को, अपने कौम के मसाइल को उस फोरम ऑफ द हाउस रेक्टिफाई करे, फिर वो चाहे कुछ भी बोले, किसी इदारे को ललकारे, किसी सिविलियन को ललकारे, किसी को भी बोल सकते, कुछ भी इजाजत है। देखिए मैं बताऊं, नहीं नहीं बोले ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, असेंबली का एक रूल ऑफ प्रोसीजर है, हर मेंबर उस रूल ऑफ प्रोसीजर को क्यों नहीं होता, किनका बंद नहीं होता, जो भी जो जहर उगलते हैं, जितने भी आपके असेंबली के कार्रवाई हैं उसके अंदर से कोई आपको ऐसा जुमला मिलेगा नहीं जो आपके उस आईन से बाहर हो। इस पंच का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हजफ करने का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, वो अपनी जाति कैपेसिटी में कह रहा होता है। जो कार्रवाई का हिस्सा है वो इस मुल्क का पार्लियामेंट का प्रोसेस है, जो उसके गुफ्तगू का जो मिनट्स बनते हैं, जो स्पीकर या चेयरमैन या मौजूदा कमेटी के चेयरमैन की इजाजत से बोल रहा होता है, अगर उसके दायरे से कोई बाहर आ रहा है वो स्पंज है, स्पंज का कोई जिम्मेदार नहीं होता। और फ्लोर ऑफ द हाउस ऐसे बहुत सारे बातें होती हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस की जाने वाली बात कोई गद्दारी का मुकदमा नहीं बनते हैं। आपको ये पार्लियामान को, आपके पार्लियामानी मेंबर को, आपके आईन ने ये इख्तियार दे रखा है कि वो वहां जाके अपनी गुफ्तगू को कर सकता है खुलकर। मोहसिन दावर का मैं तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सहाफी, पाकिस्तान का कॉलम निगार, पाकिस्तान का व्लॉगर, पाकिस्तान का सियासी नौजवान, पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन अपने मुल्क में और अपने मुल्क से बाहर जाने में आजाद हो, चाहे वो किसी भी जवाब का कारकुन है, मैं इस बात का हकदार, चाहे वो इस मुल्क का मुजरिम हो, उन पर एलिगेशन हो, उन पर केसेस हो, वो जा सकते हैं। मुजरिम साबित कौन करता है? हमारे इदारे, अदालत है, इदारे अदलिया। मोहसिन दावर को किस अदालत ने मुजरिम साबित कर दिया अभी तक? फिर क्यों नाम था उनका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में? सर अभी कुछ जुर्म साबित तो नहीं हुआ ना? नहीं, आप लोगों ने निकाला ना पहले कंट्रोल लिस्ट, अगर पहले किसी शख्स पे और कई लोगों, किसी लोगों पे नाम इसमें ऐड थे, ऐसे ऐसे ही कई लोगों के, आपकी पार्टी से भी लोग थे ना, कुछ तो था ना, कोई शक था, कोई शुबा था। अच्छा मुझे ये बताएं, एग्जैक्ट कंट्रोल जो लिस्ट बनती है वो कौन बनाता है? हुकूमत, वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला, उसके ऑर्डर से बनता है, पीएम उसको इजाजत देता है। आपके हुकूमत के अंडर अगर कोई समझा जाता है कि किसी बंदे के ऊपर कोई मुकदमा फाइल हो रहा है, ठीक है, या अभी ऑन प्रोसेस चल रहा है, उस बंदे को उसको फेस करने के लिए अदालतों को सामना करना चाहिए, वो मुल्क से बाहर ना जा सकता, ठीक है, तो फिर एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट बनाई जाती है। फिर उसी वजीर को, उसी पीएम को इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स उस बंदे को इजाजत दे के बाहर जाने की इजाजत दे सकता है। उसकी कुछ मजबूरी भी हो सकती है, कुछ परमिशन हो सकते हैं, उसकी वजह को बहुत सारे मसाइल भी हो सकते हैं। अब आप इसके पीछे पूरा प्रोग्राम करना चाहते हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। मैं नहीं कर पा रहे ना सर, तो देखने वाला को भी आप सैटिस्फाई करें, मैं क्या मुतमिन करूं आपको, ये वजह थी इसलिए ये हो रहा था, मैं क्या मुतमिन करूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मोहसिन दावर का जब एज ए कंट्रोलर से नाम हटाया गया तो उसके पीछे भी रीजन था, अब अगर फिर डाला गया है तो उसके पीछे भी रीजन है। रीजन उसकी ये है कि जब पहले हटाया गया था तो हम जब आए थे हुकूमत में हमारे पास केसेस नए नए थे, ठीक है, और हमारे दौर में जब उनके ऊपर केस नया फाइल हुआ तो हमने उनको जिसमें नाम डाला, उनको रोक दिया बाहर जाने से, ठीक है। चले अभी हमारे पास हमें पता है कि हमारी हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकते हैं हमारे इत्यादियों से, ठीक है, लेकिन जो 10 वज़रा है मुमलिकत को मौविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया, अभी मेरे पास स्टोरी आई है, तो क्या चाह रहे हैं, क्या बुरी बात है इसमें, क्या कबाहत है इसमें, तो फिर सब यही करें, प्रोटोकॉल मौविन खुसूसी और तमाम मराते इनको दें, अवाम का तो तेल निकल गया, समझ मेरे कुछ भाई, अवाम पे भी मेरे भाई, मेरे भाई कुछ हो, मेरे भाई, ऐसा बिल आया अभी तक जो कि अवामी मफाद आमा में हो, आप बता दें 8-10 महीने में कुछ तीर मारा आप लोगों ने? 8-10 महीनों में इस मुल्क के तबाह हाली को लेकर हम दुनिया के सामने फिर रहे हैं। 8-10 महीनों में जिस दिन से बिलावल भुट्टो मुल्क का वजीर खारजा बना है आज तक वो अपने बहनों के यहाँ 5 घंटे के लिए नहीं रह सकता।
ये किस लिए कर रहे हैं? तो वो बिलावल ने जो तीर मारा है उसका समर कहाँ है? समर चल रहा है ना भाई, कौन सा समर है? अब आप मुझे चलो 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 घर देंगे पूरी दुनिया में, हमने क्लाइमेट केस लगाया है, करोड़ों रुपए हम मुल्क में लगाए, वेयर इज अरबों रुपए सर कहाँ है? अभी उसका जवाब देता हूं, उसका जवाब देता हूं। जी जी जी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। वो मुकदमा जो पिछले 3 साल में इमरान अहमद नियाजी खान के हुकूमत में हमारा जो मुआशी और बैरूनी सतह पर जो हमारा खारजा पॉलिसी की तबाह हाली थी, हम उसको अभी तक तो हम बिखेरे हुए चीजों को बराबर कर रहे हैं। क्या कौन सी बिखरी बताएं? क्या बिखेर के आप मुझे क्या आप छोड़कर खान साहब गए? आप मुझे बताएं। चले सवाल आप लोग करते हो, बताऊंगा पूछूंगा आपसे, आप अपने टाइम पर जवाब भी दीजिएगा कि आप क्या छोड़कर गए थे। 5.8 की GDP ग्रोथ को 1.2 पर आप छोड़कर गए थे। मुल्क की जो मुआशी हालात 2018 में थे, क्या 2022 के अगस्त में जब आप मार्च में जब गए तो वो थे या नहीं थे? हम इमरान खान से कहते हैं, लोगों से कहते हैं, भाई आप उसे सवाल पूछो कि आपने अपने 3 साल दौरे इकदार में कौन से तीर मारे हैं जो आप आ जाके हमसे मुश्किल की बुरी हाल अगर है आज तो क्या 6 महीने में हुआ ये? नहीं तो 6-8 महीने में सवाल कर लेना, नहीं तो आप 6-8 महीने में क्या कर रहे हैं? फिर 10 माह ने खुशी लिया आप लोग इस हालात में इस बुरे, तो उनको आप मराते नहीं देंगे, उनको आप गाड़ियां नहीं देंगे, सिक्योरिटी नहीं देंगे, उनको आप इस कौम का जो पैसा है सैलरियों की मद में नहीं देंगे, गाड़ियां बेचकर आप रिहायश नहीं देंगे, गाड़ियां बेचकर क्यों कर रहे हैं आप? गाड़ियां बेचकर इंपोर्टेड वजीर लाकर बाहर से एहतसाब के नाम पर लोगों को प्रमोट किया गया। आपने कर लिया ना, कर लिया आपने, बताइए सुने हम आके अब देखें तब्दीली लाते हैं तो कहा क्या आपने? मैं ये कह रहा हूं कि जो हम क्वेश्चन दुनिया के सामने कर रहे हैं, शोबे का समझ बता दें कि एक शोबे को हमने बेहतर किया है, बताएं चले किसी एक शोबे को। मैं बता रहा हूं जी, किसी एक शोबे में सबसे बड़ा शोबा हम समझते हैं कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान बेहतर है तो पूरा आपका सारा निजाम बेहतर है। आपकी नजर में पाकिस्तान पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का आईन बेहतर है तो पाकिस्तान बेहतर है। पाकिस्तान बेहतर कर दिया है आपने, पाकिस्तान का आईन हमने बेहतर कर दिया है। पाकिस्तान के आईन से वो सारे गलाजत जो अपनी मर्जी के मंशा के लाए गए थे वो सारे हटा दिए और हम अभी दूसरी स्टेप में इस मुल्क का मुआशी जो बर्बादी है उसकी तरफ काम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अभी जी जी कह रही है पाकिस्तान में पुलिस का महकमा नंबर 1 पर करप्ट है। क्या किया आप लोगों ने? कोई एक शोभा तो बता दे बताए कि ये शोभा बेहतर कर चले, चले चले पाकिस्तान में पुलिस का निजाम करप्ट है। मैं ये आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, पाकिस्तान जो आप कह रहे ना कि हमने तो ये कर दिया खान साहब तो उधेड़ के चले गए, सही भी तो नहीं कही आप लोगों ने। सर सही कर रहे हैं क्या आप मुझे बताओ? कर रहे हैं तबाह का सेंटेंस है ये, कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट होगा जी, कंप्लीट होगा इंशाल्लाह इसी अगले साल के 2-3 महीने के अंदर आपको बेहतरी नजर आएगी। ये मुल्क मुआशी डगर पर वापस आएगा। अच्छा। इस मुल्क के अंदर आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी, इस मुल्क के मुआशी निजाम चलेंगे, इस मुल्क का जो एनर्जी का सेक्टर तबाह बर्बाद 4-3 साल में किया गया है उसको हम बहाल करेंगे। इस वक्त ये हालात है कि आपको इस सर्दियों में चलाने के लिए गैस मौजूद नहीं, आप कहां से लेकर आए? बदकिस्मती से मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं रशिया से, जी हम डिस्काउंटेड रेट में हम सब लेंगे। तो यार अफसोस, सद अफसोस इसी का खान साहब गए जी 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 मातम आप लोगों ने नहीं 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 माजरत के साथ सफेद मातम की बात आप क्या कर रहे हो? आपने हमारे सामने इस वक्त खान साहब चले गए सर जी, बिलावल भुट्टो सरदार में नहीं है ये तो यूरोप की जनरल करे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने अमेरिका में जाकर खड़े होकर कहा कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसला किया था, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, मैं उसको डिनाय नहीं कर सकता, मैं उसको ऑन कर रहा हूँ। अमल भी नहीं किया सर, मेरा सवाल सुन ले, ये रशिया से आप डिस्काउंटेड पेट्रोल ले लें, डीजल ले लें, कब आ रहा है? मैं बता देता हूँ, आप नहीं आएगा इलेक्शन तक। चले चले आप बताए, आपने अपना फैसला दे दिया तो मैं क्या कमेंट करूं? आप बताए, आप बताए साजिद भाई, आपको मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं ये भी बताता हूँ, ये मैंने क्यों कहा, आपके पास जो रिफाइनरीज हैं आपने उनका विजिट किया कि वो जो रशियन ऑयल आपके पास आएगा जी, आपने मेरा जवाब दिया खुद जी। मैं आपको अभी इस बात पे मैं जवाब दे रहा हूँ। मोहतरम इमरान अहमद नियाजी खान का जब हुकूमत खत्म हुआ तो वो दुनिया जहां के सामने एक बात लेकर गए कि भाई हम रशिया से बहुत सस्ते दामों में पेट्रोल खरीद रहे थे और इस पेट्रोल से पाकिस्तान स्टेबल होता। जब उस वक्त के वजीर पेट्रोलियम ने उस वक्त के पेट्रोलियम डिवीजन को लिखा कि जनाब वो एग्रीमेंट्स तो जाहिर सी बात है दो स्टेट्स के दरमियान होते हैं ना, वो एग्रीमेंट्स कहाँ हैं, वो लेकर आओ ताकि उसको हम परस्यू करें। हमारा सबको लेटर लिखा गया कि भाई आप वजीर पेट्रोलियम थे, आप हमें बताएं। फिर जब हमने अपने रिफाइनरी को हाल देखा तो हमने सोचा कि भाई इस हालत में तो पेट्रोल आ ही नहीं सकता,
जब तक आपने रिफाइनरी को रशिया सेटअप पे ना लेकर आए, और इस 6 महीनों के अंदर उस सेटअप के लिए हमने काम किया है, हम कोई हवा में तीर नहीं छोड़ते हैं। अगर रशिया की तरफ हम लोग गए हैं तो 6 महीने अपने घर को बनाया है, अब 6 महीने के बाद जाके हमने उनसे एक एग्रीमेंट साइन किए है, हम उनसे चीजें ले रहे हैं। हमें मालूम है इंटरनेशनली हम पे प्रेशर आएगा उसका, लेकिन हमारे लिए इंटरनेशनल से ज्यादा अपना घर पहले है। हम पाकिस्तान को स्टेबल करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते कि 2023 में हम फिर से पीएम बनकर आएंगे तो पाकिस्तान स्टेबल मिलेगा हमें। हमें बिल्कुल इस पास कहते हैं नजर कौन जीत कर आएगा, कल को हम ये कहते हैं पाकिस्तान को उसकी मौशी हालत पे खड़े करके जाएंगे, कल आए इमरान खान उसके लिए ग्राउंड बनावा होगा, बस मुल्क को चलाए। चले सलीम साहब, हुकूमत और पीटीआई के बैकडोर रबतों में तेजी आ गई है, क्या वाकई सुलह सफाई हो जाएगी और आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं? सर ये जो बैकडोर रबते, मैंने आपसे इसका जवाब पहले दे चुका हूँ आपके लास्ट प्रोग्राम के अंदर। अभी मुलाकातें हुई है सर, अभी मैं आपको लास्ट प्रोग्राम आपने यही असद केसर वगैरह की जो बात की थी उसका मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि ये बैकडोर रबते अमली जामा और प्रैक्टिकली पब्लिक को फायदा उस वक्त पहुंचेगा जब ये एंड में जाके नो करप्शन के ऊपर आएंगे, क्योंकि नो करप्शन जो है इनकी वीक पॉइंट है। नहीं नहीं, असेंबलियों तहलील करनी है, नहीं करनी, इन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के लिए 8 महीने के अंदर जो सबसे बड़ा काम इन्होंने जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया, जो इन्होंने कहा कि हमने कवानीन बना दिया आइन के अंदर में, आइन के अंदर में नैब कवानीन बना के एनआरओ लिया इन लोगों ने, एनआरओ लेके इन लोगों ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया है, जो जितने करप्शन थे उनके करप्शन माफ कर रहा है। नेशनल ने आगे भी बताया, कुछ वो भी सुन ले, वो भी सुन ले, मैं आता हूं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि तालीम का इदारा 4th नंबर पर है और एहतसाब ब्यूरो समेत इन करप्शन इदारों पर एकदम एतमाद का इजहार किया है, मतलब इसमें नैब भी इसकी जद में आ गया। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि ये तालीम का इदारा भी 4th नंबर करप्ट है, तो आप लोगों को तो नैब को सही किया था, आप लोग तो कहते थे नैब तो बड़ा बेहतरीन इदारा है, नैब भी करप्शन की जद में आ गया, क्या नैब के अफसरान भी तो खुर्द-बुर्द करते हैं क्या? सर पाकिस्तान में करप्शन में नैब के कुछ अफसरान अगर मुलविस हैं तो होंगे, मैं उसके उनकी डिफेंस नहीं करता, बात ये नहीं हो रही कि नैब के अफसरान करप्ट है या करप्ट नहीं है, बात यह हो रही कि जो करप्शन के अंदर जेल में जाने वाले थे, जो करप्शन के अंदर में अरेस्ट होने वाले थे, वो पीएम और सीएम बन गए, बात ये कर रहा हूं मैं, आप बात कर रहे हैं इसको नेपाल जो हमारे पास पीएम जो पीएम पड़ा हुआ है, पीडीएम की हुकूमत कह रही है सारे केस झूठे थे आपके, आपने हमारे साथ ज्यादती की, वो तो सारे कानून बहाल करके अदालतों में चले थे, जो कानून उन्होंने रोल बैक किए वो कानून बहाल करके वो अदालतों में चले जाए, मालूम पड़ जाएगी 400 ड्रोन अटैक इनके दौरों में हुए, दोनों के दौर में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ पाकिस्तान के ऊपर खान साहब के दौर में, अभी हुआ अभी 6 महीने, ये तो आप लोगों के दौर में हुआ है, अभी आप लोगों के दौर में खान साहब की हुकूमत हटने के बाद हुआ है, वो आपके दौर हुकूमत में हुआ, बड़े शर्म की बात है 400 ड्रोन हुकूमत ड्रोन हमले हो रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं था, और हिम्मत नहीं हुई अमरीका की खान साहब के दौर में एक भी ड्रोन अटैक करे, और अफगानिस्तान के अंदर हमारे सफीर के ऊपर दहशतगर्दी हो गई, उसको जान से मारने की कोशिश की, अफगानिस्तान में इंडिया फिर से छा रहा है उसके ऊपर से तवज्जो किसी की नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर में जो है तालिबान हमारे दरमियान जो ताल्लुकात बहुत शर्त मोड़ी की तरफ चले गए उसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तोशाखाने की रट लगा के हर जगह पे हर प्रोग्रामों में ताकीद कर दी गई है कि आप लोगों को तोशाखाने पर बात करनी है, किसी और पे बात नहीं करनी है। सर सिंधी टोपी अजर का डे मनाना चाहिए, हम भी मनाते हैं ठीक है, मगर सर सिंधी का भी ख्याल करना चाहिए, खाली उसको टोपी और जग पहना के उसको बहला नहीं देना चाहिए। ओहो, उस सिंधी का भी ख्याल करो जिसके पास तालीम नहीं है, उस सिंधी का भी ख्याल करो जो आजकल 200 रुपए 150 रुपए दिहाड़ियों के ऊपर बेचारा काम कर रहा है, उस सिंधी का भी ख्याल करो जो कपड़ों के घरों में रह रहा है, जो कपड़े के घरों बने हुए उसके अंदर रह रहा है, उस हमारा पीपल्स पार्टी का नारा था रोटी कपड़ा मकान, कहाँ गया वो नारा, शर्म आनी चाहिए पीपल्स पार्टी को, जो सिंध के अंदर लोगों की हालत है उसके ऊपर आप देखें, देख के आंसू आ जाएगा आपकी आंखों से जिस हाल में बेचारे वो रह रहे हैं। सर क्या स्टोरी आप ले आए, मैं चाह रहा था कि इसको स्किप कर दूं लेकिन क्या करें, सलीम साहब के जज्बात का पूछ लेते ना सर, बैठे ना नुमाइंदे सिंध के, बताएंगे सर 80 लाख से ज्यादा लोग बेघर है इस वक्त भी, फ्लड प्रूफ घर जी हम बना के देंगे, बिलावल साहब एंटोनियो गुतेरेस को लेकर आए हैं, अब अरबों रुपए हमारे पास आएंगे, खुद का भी आपका सिंध का जो बजट है वो भी यूटिलाइज नहीं हुआ, क्या करें जफर अब्बास का हैंड्स का, इन एनजीओस पर आप उनके कंधों पर बैठते हैं, फिर बदकिस्मत ये कि आपके मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होके आज सुबह असेंबली में कह रहे जी जफर अब्बास का बड़ा शुक्रिया, तो आप क्या कर रहे हैं, एनजीओ वाले आपके सहारे बने, आपकी हुकूमत क्या कर रही है 12-15 सालों में, आपके सारे डिपार्टमेंट कहां गए, इरिगेशन का बजट कहां है, एग्रीकल्चर का बजट कहां है, लाइव स्टॉक का बजट कहां है,
क्या कर रही है आपकी मिनिस्ट्रियां, उनके एम्प्लॉयमेंट कहां है, लोग कहां है जिनको हजारों अरबों रुपए की मद में आप सैलरियां देते हैं, वो पीपल पावर कहां थी उस वक्त? हो गया जवाब सवाल आपका? चले देखे साजिद भाई, आपकी जज्बाती क्वेश्चन को देखकर ना मुझे बड़ा मजा आता है, मैं कहता हूँ इसी तरह के आप सवाल करो ताकि बाउंसर लगने में मजा आए। साजिद साहब, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि सिंध में हमने क्या किया क्या नहीं, क्या कुछ भी किया है वो किया, जवाब किया मैं बता रहा हूँ सर जी आपको आप हौसला रखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में कुछ किया है, यही वजह है कि चार दफा पहले आ चुके हैं, पांचवीं दफा के लिए भी तैयार है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। आप यहाँ प्रोग्राम में बैठकर आपके तो वडेरे वडेरे फलाना फलाना फलाना, सिंध का हर नोटेबल काबिल एहतराम, उसकी एक इज्जत है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको हम पर लाजिम इज्जत करना। ये कैसे कह सकते हो कि आपने सिंध के सारे वडेरों को लिए? कितने मुझे सिंध के बताएं, आम आदमी को कितने टिकट दिए, चले बताएं, लाइव दुनिया देख रही है आपको, आप टिकट किसको देते हैं? चांडियों के सरदार को आप टिकट देते हैं, मेहरों के सरदार को आप टिकट देते हैं, शोरों के सरदार को? अबे आम आदमी कहां है, समझ? अच्छा, चलो की पार्टी आम आदमी की पार्टी थी, ये कारकुन को टिकट देती थी कि चलो मुझे ये बताए आप वोटों का विजन था कि आम आदमी पार्लियामेंट में आए, लेकिन आप आम आदमी को पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाए? और सईद गनी किस गरीब बाप का बेटा है, सिंध का सीनियर सूबाई वजीर है? दिखाओ मुझे केपी के सर, दिखाओ केपी के में, ऐसा नहीं है। कितने कादर पटेल किसका बेटा है? क्यों कादर पटेल किसका बेटा है? यार कादर पटेल कई हुकूमतों का हिस्सा रह चुका है, कादर पटेल पीपल्स पार्टी का वर्कर है, गरीब वर्कर है, का बेटा है, मेंबर नेशनल असेंबली है, इसको पांच दफा बना दो एक्सेप्ट करो, खुशी सा किसका बेटा है? सर अब सिंटीरियर सिंह की बात करें, खुशी सा की बात करो, खुशी सा किसका बेटा है? मीटर रीडर का, खुद भी मीटर रीडर, खुद मीटर रीडर रहा भाई, मीटर पीपल्स पार्टी इज्जत दी तो एक्सेप्ट करें। कितने खरबपति कैसे बन जाए ये भी जरा बता दें जी, ये समाज खरबपति कैसे बन जाए ये भी बता दें। तीन महीने हुकूमत था और आप बता दो ना के जो तो हम साहब ने लिया से ले ना, आप तो नेम चला रहे हैं साहब है, आपने छापा तो मैं जेल में था, मीटर लेकर के आता नहीं ले ले ऐसी बात नहीं है। सिंका सिंका हमारी बात भी कब होगा घर में ले जाओ, सिंका सही बात भी कारण से मैं हूं दलील दलील छोड़ दो ना, आज भी बोल रहे हैं और ये होती हो सारे ये झूठी आई तो खरबपति और खरबपति बन जाते हैं नहीं चाहता आप तो 3.5 साल उसको जेलों में रगड़ रगड़ कर आपने 1 रुपए साबित क्यों नहीं? मतलब आप कह रहे हैं कि वो साबित नहीं कर सकते भाई, कहां से ये लेके आता उन्होंने भाई, ये कहां से कोई ऊपर से इनको इमदाद होती है, कोई फरिश्ते पैसे देके जाते हैं? अच्छा मुझे ये बताए जी, साबित से अरबों रुपए, तो किसने कहा अरब रुपए अरबपति है वो? तो आप मैंने कब बोला अरबपति है? मैं कहता हूँ भाई आपके पास 3.5 साल का वक्त था, आप साबित करते हो अरबपति है, पैसे कहाँ से लाए, आप सजा देते, आपने जेलों में डाला, अदालतों से साबित करा देते ना, क्यों जेलों में टाइम आया तो नोट चले और गवर्नमेंट चेंज कर दी गई। वाह भाई वाह वाह वाह, चले आगे बढ़ाते ना, नेक्स्ट स्टोरी कोशिश साहब से पहले बाहर आ गया था आपके दौर में, चले चले लास्ट स्टोरी। सलीम साहब, नए सुबह के कयाम की फिर से बाहर आ रही है और अनकरीब इस वक्त तो जो नेशनल वो हमारा जो सूबाई जो मीडिया है सिंधी मीडिया में तो बड़ी है गर्मा गर्मी है, 15-20 साल से हम सुबह 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 सुन रहे हैं, कोई आज कोई नई बात तो नहीं है, जब भी लोगों की तवज्जो हटानी होती है तब सुबह की बात खड़ी करते हैं, जब भी आवाम को कौम परस्ती के ऊपर लाना होता है सुबह की बात शुरू हो जाती है। आवाम इस वक्त डूब रही है, पाकिस्तान इस वक्त डूब रहा है, कसूर खुद का आपका कसूर है कि जब पीटीआई आ रही थी तो वो भी कह रही थी हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, सर जनूबी पंजाब सूबा पीटीआई ने कहा था कि हम बनाएंगे और बनाएंगे, 2-3 अक्सर मिलेगी हम जरूर बनाएंगे, उसके ऊपर आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट 2-3 अक्सर से आएगी और बन के हजारा सूबा या महाजर सूबा बाकी जो तहरीके हैं वो भी सही डिमांड है उनकी। सर ये जो आप कह रहे हैं ना कि महाजर सूबा ये तासुब परस्ती पर मबनी कोई सूबा नहीं बनेगा, अगर आप कराची की आबादी देंगे देखिए तो कराची में एक भी आपको महाजर नहीं मिलेगा, सबके सब सिंध के पैदाइशी है, सबके सब पाकिस्तान के पैदाइशी है, सबके उतना यहाँ के सूबे के ऊपर जितना दूसरे का है, इसमें कोई बाहर का आया हुआ नहीं है, कोई हिजरत करके आया हुआ नहीं है, उसको कोई भी नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बना के जो गड़े नारे और दावे किए जाते हैं सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के वोट बटोरने के लिए और दहशतगर्दी करने के लिए और कुछ भी नहीं है इसके सिवा।
आप इस हक में हैं कि हजारा सूबा बनना चाहिए। सर मैं कौमियत के ऊपर, अभी मैंने कहा कौमियत के ऊपर नहीं बनने चाहिए, नाम उस तरीके के होने चाहिए जो कौमियत पे ना हो। नाम जो है कौमियत पे नहीं होने चाहिए, नाम जो है वो कौमियत पे नहीं होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखें, इस चीज को मद्देनजर रखें। अच्छी खबर आ रही है पीटीआई की, मीरपुर आजाद आजाद कश्मीर बलदियाती इंतखाबात पीटीआई मीरपुर डिवीजन में 371 नशिस्तें जीत गई, आपके लिए अच्छी खबर है। कैसा लग रहा है, आप कुछ हौसला आ रहा है कि चले जी पीटीआई का जो वो नैरेटिव है वो आवाम में मकबूलियत हासिल कर रहा है? उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि पीटीआई के नैरेटिव जो है वो आवाम में मकबूल तरीन है, सिर्फ मकबूल नहीं है मकबूल तरीन है। और वो नैरेटिव खान साहब का नैरेटिव है, वो आज़ाद खारजा पॉलिसी खान साहब का नैरेटिव है, और उसके ऊपर तमाम पाकिस्तानी मुत्तफिक होंगे। ये मेरे भाई बैठे हुए भी आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर कहेंगे कि नहीं हम होनी चाहिए आज़ाद खारजा पॉलिसी, ये अलग बात है कि वो उनके लीडर्स पे अमल ना करें। मुबारकबाद पहले नंबर पर है 371 नशिस्तों के साथ पीटीआई, खैर मुबारक और खुशी होंगे ये सुन के, और आपकी मुबारक का शुक्रिया। चलिए मैंने मुबारकबाद दे दी। समद पीपल्स पार्टी 139, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लबैक 88, आप लोग 139, पीटीआई 371। तो देखिए मुबारकबाद तो देते सर। देखिए मुबारकबाद बिल्कुल देता हूँ उनको, और जो जहाँ पे जीते उनको मुबारक, और इमरान खान को तो हमने उन जगहों पर मुबारकबाद दी जहाँ पे देना भी नहीं चाहिए था, हमने दिल बड़ा किया। लेकिन इनके लोग वही करते हैं, वो अलग बात है। और दूसरी बात, इस वक्त कहीं भी लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं वो किसके अंडर होते हैं, वहाँ के सूबाई हुकूमत के अंडर होते हैं। कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इससे पहले जिस भी शख्स की वहाँ हुकूमत रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर 100% उसका बल्दिया नीचे आया है, ये नहीं समझे कि ये जीते हैं। अच्छा इस पे भी आपको चले जी, चले ठीक है। 30 साल से तो वहाँ पे बलदियात हुआ ही नहीं है, चले बलदियात इलेक्शन 30 साल में पहली दफा हो रहा है, जो भी हुआ पहली दफा हो रहा है। हिम्मत ही नहीं की किसी ने वहाँ पे कराने की, पीटीआई ने पहली दफा हिम्मत की है, और लाख तर मुखालफत के बावजूद पीटीआई का क्रेडिट जाता है कि उसने वहाँ पे बलदियात इलेक्शन हिम्मत नहीं है कि वो कराची में बलदियात इलेक्शन और जनवरी में जनवरी को इंशाल्लाह आपके इलेक्शन होंगे, और आप इस शहर से तैयारी करें कि मैं आपको इसी प्रोग्राम में मिठाई खिलाऊंगा। मुझे भी खुशी होगी अगर बलदियात इलेक्शन 15 जनवरी को हो जाए, तो हम करवाने को बिना सियासी कारकुन। मैं समझता हूँ की आईन पाकिस्तान का एक ट्रम है, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट, उस वक्त तक आपकी डेमोक्रेसी पूरी नहीं होती जब तक उसका तीसरा हिस्सा पूरा ना हो। चले वो होने दे, आप तरह के होने दे। चले मुझे लास्ट में बताइए कि अच्छा हाँ, एक चीज जो है जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है वो है वोट का हक। जो एग्री करेंगे कराची में रहे हैं, ये नहीं मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ पीपल्स पार्टी ने बेईमानी की, मैं नहीं कहता हूँ फलाने ने बेईमानी की, मगर एक चीज हकीकत अपने मुल्क की कि आवाम के वोट का हक मारा जाता है, कि बहुत सी जगहों पे मारा जाता है। ईवीएम मशीन से ये पीछे हटते हैं, फिर बोलते हैं कि ये सेलेक्टेड है ये इलेक्टेड है, फिर नारे लगते हैं ये धांधली हुई है। फॉरेन में रहने वाले पढ़े लिखे हमारे सिंधी भाई, हमारे पंजाबी भाई, हमारे पख्तून भाई, हमारे बलोची भाई, वो अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये लोग उनके वोट का हक मारते हैं। तो ये आखिर कब तक आवाम को वोट के हक से महरूम रखा जाएगा, कब तक आवाम इस तरह दबती रहेगी? बहुत खुश हूं। आपके सवाल की तरफ आता हूं, आपने ये कहा कि कौमी असेंबली के स्पीकर ने एक कमेटी फॉर्म की है सूबे बनाने के लिए, सूबे बनाने के लिए नहीं कि साउथ पंजाब सूबे के लिए की, इसको अगर आप क्लेरिफाई कर दीजिएगा नंबर वन। दूसरी बात यह है आईने पाकिस्तान 1973 में जब बनाया गया था तो उसके अंदर इसकी पूरी एक आर्टिकल मौजूद है कि आईने पाकिस्तान के किस तरीके से सूबे जो है वो फॉर्म किए जाएंगे। जो भी शख्स जो भी हुकूमत उस आईने तरीके को अडॉप्ट करेगा हम उस पर साथ खड़े होंगे, उससे बाहर की डिमांड जो भी करेगा हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है जी राजा परवेज अशरफ का, ये मैं आपको भेजूंगा ठीक है जी। प्रोड्यूसर साहब को अगर ये स्पेस हो तो ये लेटर दिखा दे जो कि समद ने कहा कि वो सिर्फ जनूबी पंजाब के लिए हुई है, उसमें बहुत सारे मेंबरान हैं, वो मेंबरान की भी जी, मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूंगा दे जिसकी खुर्शी शाह सरबराही कर रहे हैं। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आप पंजाब, आपने कहा कि जनूबी पंजाब सूबे की, ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है, तो जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए
उसकी वजह बनना चाहिए ना, बता रहा हूं बनना, मैं कह रहा हूं सर बनना चाहिए, आप कह रहे बनना चाहिए ना, मैं भी कहता हूं बनना चाहिए, लेकिन मैं क्यों, तो फिर मुझे एक बात बताएं, फिर मुझे एक बात बताएं, जब मीरपुर से कराची आपसे सूबे की डिमांड होती है, सिंध में रैलियां निकलती है, माजर सूबे की तहरीक उठती है, तो फिर तब आप कहते हैं मरसू मरसू सिंध, तो उनको एंटरटेन क्यों नहीं करते आप? अभी अभी आपको जवाब देता हूं जी, सूबे साउथ पंजाब की डिमांड को हम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि वो आईने पाकिस्तान के पूरे फॉर्मेशन के मुताबिक होकर आया है, वहां की सूबाई असेंबली से उसका बिल रेजोल्यूशन पास हुआ, वो फिर नेशनल असेंबली में आया, सेनेट में आया, उसके ऊपर डिबेट हुआ 2009 में, ऐसा ही है, ठीक है, तो वो आईन के उस तरीके को अडॉप्ट किया गया, हम सिंध में वो कहते हैं वो आईनी तरीका जो भी अडॉप्ट करे उस पर बात करें, हमें कोई इंक्वायरी नहीं, आप सपोर्ट कर रहे थे ना, तो अब फिर यहाँ पर आप तो बन जाते, मैंने कब इंकार क्यों, मैंने सर आपके सारे लीडर बिलावल साहब ने कहा था, याद होगा कि जब बांग्लादेश बन सकता है तो सिंधु देश भी बन सकता है, आपके कायद ने कहा था, देखिए आप क्या बात कर रहे हैं, आप समझ आप तो चीजों को ना, आप चीजों को खोद मरोद के कहीं और लेके जा रहे हैं, वो आप कर ले नहीं, लेकिन मैं आपके कायद ने कहा सूबे की क्रिएशन, इसको एग्री करते सूबे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक्त ये कहा था कि अगर आईन की हुक्मरानी नहीं होगी तो ये मुल्क के अंदर पहले आपने बांग्लादेश बनाया था, आज हर सूबा अपना मुल्क बनाने का डिमांड करेगा, बलोचिस्तान में हो रहा है आज, मेरे मोहतरम आप लोग चीजों को घुसेर घुसेर के पकड़ पकड़ के पॉइंट तो से बात करते हो, हकूक देना सर, ये आप जो अगर तहरीक आपके सूबे में चलती है तो उनको बिठाएं, उनके साथ पूछें उनकी क्या डिमांड है, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, अगर कोई तहरीक आप मोलाजेट ना बने ना, आप हमसे उनको सुने ना, मैं बताऊं कितने कितने प्रोटेस्ट करने वाले सिंध के अंदर मारे गए, मारे गए नहीं मारे गए ना, इसका मतलब जमहूरियत है, हम सुनते हैं, हमें बर्दाश्त है, हम तस्लीम भी करते हैं, अगर चीज के अंदर जान हो, आईने पाकिस्तान के उस तरीके के मुताबिक हो उसको हम बर्दाश्त करते हैं, आईने पाकिस्तान के अंदर उसके पूरा टू मौजूद है मेजोरिटी के साथ सिंध असेंबली में, अगर ये कार्यक्रम पास होती है तो सूबा बनाएंगे, सपोर्ट करूंगा, बनवाएंगे, अगर हमारी हुकूमत होगी, टू थर्ड मेजोरिटी से पास होगा, नेशनल असेंबली से पास होगा, हम क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब आपके आरकाने पार्लियामेंट भी उस पे दस्तखत, टू थर्ड मेजोरिटी से पास तो करो पहले उसको, आप उस पे दस्तखत करेंगे, आपके पार्लियामेंटेरियन उसको एक्नॉलेज करेंगे, भाई मेरे पार्लियामेंटेरियन अगर उसके हक में होते तो आज हम टू थर्ड मेजोरिटी से लेकर आते, हमने तो हम तो नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते, नहीं चाहते हैं, तो नहीं चाहते हैं, पंजाब में क्यों चाहते हैं आप, पंजाब तो पंजाब से हमने नहीं चाहा, पंजाब से आपके गहलोत साहब जब उस वक्त वजीर आजम थे जी, वहां पर मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा तू तू यहां जा कह रहे हैं नहीं ना 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 तो कुछ करेंगे ना 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 आदम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पंजाब के अंदर उस वक्त के हुकूमत ने सूबाई हुकूमत ने डिमांड किया, उन्होंने अपने रेजोल्यूशन मूव किया, टू थर्ड मेजोरिटी से पास किया, नेशनल असेंबली में लेकर आए, हमारी गवर्नमेंट थी, हमने सपोर्ट किया था, आपने सपोर्ट किया था ना, तो यहां पर आप कहते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो कहें अगर यहां पंजाब की आधी आबादी, पंजाब की आधी सीटें आपके सूबे से ज्यादा है, तो क्या वहां हक बनता है बनाना या यहां हक बनता है, मतलब यहां के लोग चुप करके बैठ गया लॉलीपॉप मुंह पे ले, यहां पे कोई सूबा नहीं बन रहा, लोगों की बात नहीं है, लोगों की बात नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टियां इस नेटवर्क को लेकर चलते हैं वो इंक्लूडिंग यू कि आप भी कहते हैं मरसू मरसू सिंध, बिल्कुल ऐसे हम तो कहते हैं सिंध की तकसीम चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, वफाक की अलामत बेनजीर, पार्टी आके सिंध में महदूद हो गई, आज आप सिंध को कह रहे हैं कि बस पार्टी के लिए तैयार है, आप तो वफाक की अलामत हुआ करते थे, पार्टी आज भी इसी पे आप जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी आज भी वफाक की अलामत है, पीपल्स पार्टी आज वो चित्राल के आखिरी कोने से लेकर बलोचिस्तान के उस कोने तक और थर के आखिरी कोने तक हर जगह आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, हार गए ना, है सर है, आज रिजल्ट आ गया सर, दूसरे नंबर पे आज मौजूद है सर, सर पीटीआर इंटर से कितने सीटें जीते और हमने कितने सीटें जीते उसको हिसाब करो ना, जब तक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी उस वक्त तक पीपल्स पार्टी भी थी, उसके नजरियात भी थे, मगर मोहतरमा भुट्टो बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो आपके सामने है, पंजाब से किस तरीके से गायब हो गई, खैबर पख्तूनख्वा से किस तरीके से गायब होगी, तो इनके नजरियात जो है वो सिर्फ दही सिंध तक महदूद होके रह गए, क्योंकि वो बड़े बड़े गांव होते हैं, बड़े बड़े इलाके होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे रोते हैं रह रहे हैं, कुछ तो वो वहाँ पे अगर आबादी का तनासब, अगर आबादी का तनासब के हिसाब से आप देखेंगे ना, तो इस वक्त शहरी आबादी और दही आबादी तकरीबन
बल्कि शहरी आबादी ज्यादा हो जाएगी। शहरी आबादी में खाली ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कराची हैदराबाद की, इसके अंदर सखर की आबादी ले लें, लाड़काना की आबादी ले लें, तो शहरी आबादी ज्यादा हो जाएगी। तो शहरी आबादी के बाद जो दही आबादी से जो ज्यादातर ये लोग जीतते, तो वहाँ पे जो है वो अंदर नगरी चौपट राजा चल रहा होता है, वहाँ जिसकी लाठी उसकी बेस चल रही होती है, वहाँ पे आप जीतेंगे। वहाँ पे रहने वाले लोगों की हालत ये है कि वो तालीम से महरूम है, घरों से महरूम है, बस गुजारा जिंदगी गुजार रहे हैं, वो वाला हिसाब होता है। चले समझ से लास्ट पे पूछ लेते हैं, समझ वो फ्लड प्रूफ घर मिल गए सिंध के लोगों को? सर सिंध गवर्नमेंट ने फ्लड इफेक्टर्स के लिए पूरा पॉलिसी तैयार किया है। हमें पता है कल को हमने उनके दरमियान जाना है। फ्लड प्रूफ कितने घर बने देखने वाले, हमने दो महीनों में इतने घर बना दिए, अवाम शिफ्ट भी हो गई। मेरे मोहतरम नहीं बने, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, चार दिन असेंबली का सेशन किस बात पर चल रहा है अभी तक? आप इसी पॉलिसी कोई मेकिंग होती है, कोई पॉलिसी होता है उसके लिए? चार दिन में कोई चीजें ठीक नहीं होती, बर्बाद हो गया सिंध। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में नाच गाने चल रहे थे और हम यहाँ पानी में डूबे हुए थे। अच्छा सर, सर सर ठीक है ना, हमने उनको कंडेम किया था ना, तो आप जब पानी में डूब रहे थे तो ये आवाम आपके साथ क्या कर रही थी, आपके मिनिस्टरों के साथ क्या कर रही थी, उनके हमें इस बात का फख्र है कि मेरा मिनिस्टर उस पब्लिक के बीच में गरेबान में हाथ डलवा के भी खड़ा होता है। देता क्या है उसे पता है? देता क्या है सर? देता है। गरेबान क्यों देता है? वहाँ खड़ा हुआ क्यों है? वहाँ खड़ा हुआ क्यों है? ओहो, देने के लिए खड़ा हुआ है ना। क्या दिया वो बताए ना, क्या दिया? क्या नहीं दिया? क्या दिया फयाज भुट्ट ने? क्या दिया बताए? फयाज भुट्ट ने वो दिया। हाँ बताए, फयाज भुट्ट ने अपने टांगों को तबाह बर्बाद किया सारा सारा दिन पानी वालों के साथ खड़े खड़े होकर। क्या नहीं दिया? घर कितने दिए? कितनों के माल? अच्छा, चले आप लोगों ने दिए कितनों कैश की मर्यादा की बात छोटी बात नहीं करता हूँ। नहीं वो दे रहे हैं मुजफ्फर चारपुर साहब के बारे में आप प्रोग्राम करें जी, मैं आप पे पूरा बताऊंगा मुजफ्फर साहब ने क्या क्या मीरपुर में दिया क्या नहीं दिया। जिस मुनव्वर को मुझे ये बताया, जानता हूँ ना, फ्लड प्रूफ घर कितने दिए? साहब भी जानते हैं, मेरी सुई वही अच्छे से जानता है उसको। फ्लड प्रूफ घर कितने दिए? मेरे मोहतरम दोस्त, हमने फ्लड इफेक्टिव के एरिया से अभी तक पानी में डूबे हुए हैं, तो घर कहाँ बनेंगे? पानी निकाल भी नहीं पाए अभी तक आप। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई मशीनरी नहीं है? क्यों, किसने का मशीनरी? आपके पास कुछ भी नहीं है? जिस दिन से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है भी आपके पास है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपके मातहत है, सिंध भी आपका है, तो पानी भी नहीं निकल रहा अभी तक। मेरे अजीज दोस्त जी, सिंध के अंदर जो तबाही हुई है, तस्लीम करे ना, तस्लीम करता हूँ भाई कि हम लोग ना अहले हैं। अच्छा, हम लोग ना अहले के पूरे पाकिस्तान के पानी को हम पर छोड़ा गया, हम लोग ना अहले के हमारे ऊपर ये अजाब आया और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जमातों के लोग अपने आप को मुल्क के सबसे बड़े मुकद्दस सबसे बड़े मकबूल लीडर कहते थे, वो नाच जाना करते थे और हम गलियों कुछों में घूम रहे हैं, हमें छोड़ दे फजल से। इस सिंध को उसकी मकाम पर लेकर आएंगे, इन सिंध के लोगों को फिर से उसी जिंदगी पर लेकर आएंगे। 2010 में भी लोगों ने तंकीद किया था हम पे, तंकीद किया था लोगों ने हम पे, अल्लाह के फजल है 10 में भी हमने फिर वापस। क्या कहे इस बेसी को कि 70 से लेकर ये सैलाब तबाहियां ढा रहा है हर 10 साल बाद, क्या किया अभी तक आप लोगों ने? आज तो ये होता कि कोई घर ना डूबता, आज बंद पक्के होते, आज एग्रीकल्चर निजाम बेहतर होता। आप तस्लीम करें कि हम लोग नहीं दे पाए सर, हमारी ना अहली है, आज भी लोग डूब रहे। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाइयां कह रहे हैं कि वो जो घर गिर गए उन्हीं हम ईंटों को और गारे को बना के 50,000 रुपए में दे देंगे। अभी तक आप लोग घर नहीं दे पाए आपको, यासर ने जो आए थे आपके, देखिए मैं किसी शख्सियत का रजिस्टर नहीं है ना सर, मैं सिंध असेंबली के कार्रवाई की आपके साथ बात करता हूं। कितनों को माफी दी है? किन के बताते हैं साजिद इतने केनशाह में बन गए? मैं लास्ट आपके साथ कमेंट करता हूँ, आप अगले हफ्ते का प्रोग्राम रखें सिर्फ सिंध सैलाब मुतासिरीन के ऊपर, कहां क्या क्या सिंध गवर्नमेंट ने दिए, मैं ऑफिशियल पेपर्स के साथ आपके साथ आके बैठूंगा। अगर आपने वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के बाद पे तस्लीम करें, कुछ हुआ सिंध के? क्यों नहीं तस्लीम करेंगे? दूसरी बात, मैं ग्राउंड पे जाऊंगा आपके साथ, लेके चलूंगा आपको। आज इसी बात पे आ रहा हूँ, आप उठें चले सेवन मेरे साथ,
चले दादू मेरे साथ क्या है, चले है ना, बताए ना क्या बात करूंगा, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको पेपर दिखाऊंगा कि पेपर में क्या हुआ है, आप कह रहे हो नहीं, मैंने कहा चलो दिखा आपको क्या क्या हुआ क्या। आप मुझे अभी बता देना, रिकॉर्ड करवा लू ना मैं, फिर मैं चलूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना भाई, आप मुझे प्रोग्राम दे, कितने घर बने, मैं आपको कह रहा हूँ उस पर आप प्रोग्राम रखे। अच्छा कितने प्रोग्राम रखे ना भाई, आप सैलाब पे प्रोग्राम रखे, आपके पास नहीं है, नहीं प्रोग्राम रखे, आप उस पर पूरा प्रोग्राम रखे, मैं सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके साथ बैठूंगा, आपके साथ प्रोग्राम करूंगा, उससे भी अगर आपका दिल ना भरे आपको लेकर जाऊंगा। चलिए देख लीजिएगा, चलिए देख लीजिएगा, 25-25 हज़ार तनकीद करने के लिए बहुत सारी है दुनिया के अंदर काम करने के लिए। आप घर बना के दे, उनके घर ही ना टूटते कि अगर आप बंद पक्के करते। चले सलीम भाई लास्ट में, क्या मैं पाकिस्तान से आज लेके आज तक पता नहीं कितने सैलाब आए और कितने नुकसानात हुए, ऐसा ही है, मगर ये सैलाब शायद इन लोगों को अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं जी, क्योंकि सैलाब की मद में जो इमदाद आती है वो गायब हो जाती है, वो आवाम तक पहुंचती नहीं है, उस इमदाद के लिए शायद ये चाहते हैं सैलाब आते रहे, हमारा दाल दलिया चलता रहे। आप देखें हर कुछ अरसे सालों के बाद 4-5 साल में एक दफा सैलाब आता है और रच के आता है, और अरबों डॉलर का वो पानी होता है जो हम अपने लिए सेव कर सकते हैं। आज तक उन्होंने डैम नहीं बनाया दरियाए सिंध के ऊपर, अगर एक डैम भी बना दे ना तो सिंध का पानी सिंध के अंदर महफूज हो जाए और सिंध की जमीनों के लिए काम है। हर कुछ दिनों के बाद जो आप देख रहे हो कुछ अरसा गुजरने दे, अगले साल आप देखेंगे पानी के लिए जमीनों के लिए पानी नहीं मिल रहा, वो फलाना लाइन काट रहा हमारी, ये काट अखबार के अंदर ये बड़ी बड़ी होंगी खबरें, और ये चीज को जो है खत्म करना पड़ेगा इनको, क्योंकि आवाम को अखर दबा दबा के कब तक दबाएंगे, आवाम की तवज्जो कब तक हटाएंगे, कभी अखराजात की मद में अभी नए नए इन्होंने भर्ती कर लिए गवर्नमेंट के अंदर में मुशीर मामून भर्ती कर लिए, अगर ये मुशीर मामून भर्ती करके अखराजात उन्होंने भरा दिए, कौमी खजाना कम होता जा रहा है, इनके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, इसके ऊपर कड़ा एहतसाब होना चाहिए, न्यूट्रल वे में पॉलिसी बननी चाहिए जिसके अंदर आर्मी आईबी आईएसआई और जजेस बैठ के एक एक और तमाम पार्टियां बैठ के एक पॉइंट के ऊपर बैठे, एक पॉइंट के ऊपर कानून बनाए कि हमें इस मुल्क से करप्शन खत्म करनी है, जिन जिन ने करप्शन किए उनको मौका दिया जाए कि आके अपने अपने पैसे जमा करवाएं और आवाम के ऊपर खर्च कर, ताकि पैसे आवाम के ऊपर खर्च हो, आइंदा करप्शन ना हो। बहुत बहुत खूबसूरत बात की, और सिंध में सकाफती रंग जारी हैं, और न सिर्फ सिंध बल्कि तमाम ही कौमों के कल्चर, उनकी सकाफत, उनका रहन सहन, उनकी जो रंगारंग जो वेयरिंग है वो सब हमारे सरहदों पर, चाहे पंजाब, चाहे महाजर, चाहे बलोच, चाहे हमारे पख्तून भाई, ये कल्चर जो वो ये वो रंग हैं कि जो कौमों को जोड़ के रखते हैं, मोहब्बतों की तकसीम में अपना हिस्सा डालते हैं। तो हमारी नेक ख्वाहिशात सिंध के लोगों के साथ है कि ये सिंध का कल्चर और सिंध की तहजीब 5,000 साल पुरानी तहजीब है, आज भी इस कल्चर और इस सकाफत को आज आप लोगों ने कायम रखा हुआ है, उस मोहब्बतों को, इसके लिए आपको सलाम, खिराज तहसीन, और तमाम ही जो कौमें हैं, जो तमाम ही जो कल्चर हैं वो सेलिब्रेट होने चाहिए, और बगैर किसी लिसानियत के। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादाब, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।